चलो खुशियों का जाम हो जाए, लेकर बप्पा का नाम कुछ अच्छा काम हो जाए। खुशियां बांट के हर जगह आज का दिन बप्पा के नाम हो जाए। भारत के कल्चर को जिंदा रखना और उसे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, इसीलिए हम हर दिन धर्म संस्कृति से जुड़ी अहम बातें आपके सामने रखते हैं। आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, इसके महत्व क्या है और 2023 में गणेश चतुर्थी कितने तारीख को मनाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं रीना और आप देख रहे हैं हमारा यह खास कार्यक्रम धर्म संस्कृति। गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से इस उत्सव की शुरुआत होती है और अनंत चतुर्थी को इसका समापन होता है। इस पर्व को गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत सभी देशों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। पार्वती जी की नाराजगी दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया। तब देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसलिए यह तिथि पूर्ण पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। भारत के लोगों का मानना है कि भगवान गणेश जी बहुत खुशी और समृद्धि लाते हैं और उनकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए ही यह गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। इस दिन बप्पा को लोग अपने घर लाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि इस साल किस दिन को है गणेश चतुर्थी और क्या है स्थापना का शुभ समय। इस साल 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी के साथ बप्पा का आगमन होगा। स्थापना का समय सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी यानी 28 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन बप्पा का विसर्जन किया जाएगा। गणेश भगवान अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता गणेश भी कहा जाता है। सितंबर से भाद्रपद के इस महीने की शुरुआत हो चुकी है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश जी का आगमन होता है। ऐसे में आप गणेश चतुर्थी पर कुछ विशेष उपायों द्वारा आप अपनी मनचाही मुराद पूरी कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त की जय शुभ काजा, तो फल मिले मनचाहा। यह कहावत यूं ही नहीं बनी, क्योंकि शुभ मुहूर्त पर किए गए कार्य सिद्ध होते हैं और बिना मुहूर्त के कार्यों में अधिकांश असफलता मिलती है। इसलिए गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश की स्थापना भी शुभ मुहूर्त में ही की जानी चाहिए, ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सुबह स्नान करने के बाद भगवान गणेश को गुड़ में देसी घी मिलाकर भोग लगाएं। इसके बाद इसे किसी गाय को खिला दें। ऐसा करने से व्यक्ति के लिए धन आदि योग बनते हैं। वहीं गणेश चतुर्थी के दिन गुड़ से छोटी छोटी 21 गोलियां बनाकर गणेश मंदिर में दुर्वा के साथ इन गोलियों को अर्पित करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। दुर्वा गणेश भगवान को अति प्रिय है, उनकी पूजा में दुर्वा का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आप दुर्वा के 11 गांठ और एक हल्दी की गांठ लेकर उसे पीले कपड़े में बांध दें। इसके बाद गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक इसकी पूजा करें। इसके बाद इस कपड़े को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अब हम आपको यह भी बता दें कि घर पर स्थापित करने के लिए प्रतिमा कैसी होनी चाहिए। गणपति के बाईं सूंड में चंद्रमा का प्रभाव होता है और जैसे चंद्रमा का स्वभाव है शांत, शीतल और सौम्य, उसी तरह बाईं ओर वाले सूंड के गणपति हमारे लिए श्री लक्ष्मी, आनंद, सुख, समृद्धि, यश एवं ऐश्वर्य के दायक होते हैं। वहीं दाईं ओर सूंड वाले गणपति में सूर्य का प्रभाव होता है। ऐसे गणपति की पूजा अधिकतर मंदिरों में की जाती है, क्योंकि उनकी नियमित तरीके से पूजा पाठ, आराधना, आरती विधि विधान पूर्वक करनी अत्यंत आवश्यक है और जरा सी गलती मुसीबत बन सकती है, इसलिए घर पर बाईं सूंड वाली प्रतिमा स्थापित नहीं करनी चाहिए।
हम उम्मीद करते हैं आपको गणेश चतुर्थी से जुड़ी सभी जानकारी मिल गई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। आशा है आपको आज की हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपने विचार बता सकते हैं। धर्म संस्कृति से जुड़े ऐसे कई और रोचक तथ्यों के लिए जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट जानने के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट कर सकते हैं।